Hello friends, we are back with yet another video on biotechnology and its application. In this video, we will be dealing upon the importance and applications of biotechnology in medicines. So let us discuss the first success of biotechnology in medicine, that is the production of recombinant insulin. यहाँ हम ये बात शुरू में ही बता दें कि यदि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे ज़बरदस्त यूज़ किसी क्षेत्र में हो सकता है या हुआ है, इट इज़ अनडाउटेबली मेडिसिन। अबाउट 30 थेरापेटिक ड्रग्स आर सक्सेसफुली मेड ऑन इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड the human welfare is ensured. इन सभी दवाइयों को जिनके निर्माण में हम बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स कहते हैं। इनमें से 12 दवाइयाँ ऐसी हैं, 12 ऑफ देम, जो भारत में, इंडिया में रेगुलरली मार्केटेड होती हैं, और ऐसे ही कुछ केसेस हमें एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन के टॉपिक में देखने हैं। तो आइए एक एक करके हम इन सक्सेसफुल स्टोरीज को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम बात करें डायबिटीज़ और इंसुलिन की। इंसुलिन का बनना तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उसका बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजिकल रोल हमें पता नहीं हो। So in very brief, I will be giving you a recap of what insulin is and what insulin does in your body. So insulin is a peptide hormone secreted by beta cells of islets of Langerhans from pancreas. So insulin एक pancreatic peptide hormone है जिसे islets of Langer cells के बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका मेन रोल ग्लूकोज ग्लाइकोजन बैलेंस के मेंटेनेंस में होता है, और ये वो हार्मोन है जो सेल्स को ग्लूकोज मोबिलाइज करने के लायक बनाता है। सदियों से हम एक बीमारी के बारे में जानते हैं जिसे हम डायबिटीज मेलिटियस या हिंदी में मधुमेह के नाम से जानते हैं। ये डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन के कारण होने वाली बीमारी है, और इसमें ब्लड की ग्लूकोज को सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट लगातार बढ़ता है। इस वजह से किडनी उसे बाहर फिल्टर करके फेंकना शुरू करती है, तो यूरिन में ग्लूकोज का कंटेंट होता है। इसी वजह से नाम पड़ा है डायबिटीज। मेलिटियस का मतलब स्वीट, तो इस तरीके से डायबिटीज मेलिटियस डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली डिजीज है। नाउ इज देयर एनी टाइप ऑफ द डिजीज? सो यस, डायबिटीज मेलिटियस इज ऑफ टू टाइप्स। One is called DMT1, means diabetes mellitus type 1. It is actually insulin dependent diabetes mellitus. It may be an autoimmune disorder or a disorder present due to congenital absence of the insulin producing genes or defective genes as well. So this is called DMT1. ऐसे patients आमतौर पर by birth ही diabetic होते हैं, और इन्हें अपने जन्म के बाद ही लगातार उसका इलाज कराते हुए जीवित रहना पड़ता है। अब biotechnology के कारण ऐसे patients की life expectancy को हम बहुत अच्छे से बढ़ा पाए हैं आगे। एंड सेकेंड टाइप इसका होगा डेवलप थ्रू एजिंग,
जो वयता की वजह से उत्पन्न होने वाला डायबिटीज है, इसे हम D1T2 या डायबिटीज मेलिटियस टाइप 2 के नाम से जानेंगे। और यदि हम इसे ऑटो इम्यून लेवल पर देखें तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस है। तो इस तरीके से दो प्रकार की डायबिटीज होती है। अब इस इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाले जीन्स कहाँ होते हैं? वेयर आर द जीन्स लोकेटेड? सो द जीन्स आर एक्चुअली टू, इंसुलिन ए जीन एंड इंसुलिन बी जीन। दे आर बोथ लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ 11 क्रोमोसोम। उनकी स्थिति है क्रोमोसोम 11 के छोटी भुजाओं पर। यदि बायोकेमिकली कंसिडर करें तो इंसुलिन दो पेप्टाइड चेन का बना होता है। इट हैज टू पेप्टाइड चेन्स, वन अल्फा एंड वन बीटा। द अल्फा एंड बीटा चेन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय टू डाइसल्फाइड लिंकेजेस एंड वन डाइसल्फाइड लिंकेज एग्जिस्ट इन द ए चेन इटसेल्फ। मतलब कुल टोटल 3 डाइसल्फाइड लिंकेज इंसुलिन के स्ट्रक्चर में पाई जाती है, जिसमें से दो से अल्फा और बीटा चेन आपस में जुड़ती है और तीसरी अल्फा चेन के भीतर ही पाई जाती है। अल्फा चेन को 21 एमिनो एसिड बनाते हैं। अल्फा चेन इज कंपोज्ड ऑफ 21 एमिनो एसिड्स, व्हाइल बीटा चेन इज कंपोज्ड ऑफ 30 एमिनो एसिड्स। सो इन ऑल देयर आर 51 एमिनो एसिड्स इन अ इंसुलिन मॉलिक्यूल। बोथ जीन्स आर स्प्लिट जीन। ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि जहां आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहां पर आप स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि यूकैरियोटिक डीएनए या यूकैरियोटिक जीन कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन वाला जीन नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता है, जिन्हें आप इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के नाम से पढ़ चुके हैं। और ऐसा जो जीन है उसका एक्सप्रेशन एक टिपिकल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद प्रोड्यूस होता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत होगी जो आगे लोगों ने कैसे सुलझाई वो आपको मैं बताऊंगा। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन एक्चुअली प्रो इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन और इंसुलिन, ऐसे तीन भागों में हम इसे पढ़ने वाले हैं, एक एक की बात करेंगे। तो जो प्रिकर्सर फॉर्म है इंसुलिन का उसे हम प्री प्रो इंसुलिन के नाम से जानते हैं। प्री प्रो इंसुलिन में अल्फा और बीटा चेन सी पेप्टाइड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन प्री प्रो इंसुलिन अल्फा एंड बीटा चेन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय अ सी पेप्टाइड। दिस सी पेप्टाइड कंटेन 58 एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स। सो इफ आई रिकॉल द अर्लियर स्लाइड यू विल सी दैट देर इज अ ग्रीन कलर सी पेप्टाइड विच इज फॉर्म्ड ऑफ 58 एमिनो एसिड्स, दैट इज ज्वाइनिंग ए एंड बी चेन्स ऑफ द इंसुलिन मॉलिक्यूल। सो ये प्री प्रो इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में ही सिक्रीट होता है और इसके इनएक्टिव सिक्रीटेड फॉर्म को हम प्रो इंसुलिन कहते हैं। इस प्रो इंसुलिन को बनाने के लिए सबसे पहले 23 एमिनो एसिड को पहले रिमूव कर दिया जाता है। तो ऑन द फर्स्ट रिमूवल ऑफ 23 एमिनो एसिड्स फ्रॉम द सी पेप्टाइड द प्री प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड इंटू प्रो इंसुलिन। एंड व्हेन दिस प्रो इंसुलिन गोज इंटू द सेक्रेटरी वेसिकल्स द प्रो इंसुलिन इज अगेन कन्वर्टेड टू इंसुलिन विच इज इट्स एक्टिव फॉर्म एंड इट इज द रिमूवल ऑफ द रेस्ट ऑफ द सी पेप्टाइड विथ 35 एमिनो एसिड्स। तो पहले प्री इंसुलिन को 23 एमिनो एसिड्स रिमूव करके बनाया गया, उसके बाद
प्रो इंसुलिन से इंसुलिन 35 एमिनो एसिड्स को कट करके बनाया गया इस तरीके से, जो 58 एक्स्ट्रा एमिनो एसिड का सी पेप्टाइड जुड़ा था वो इससे दूर हुआ और एक एक्टिव इंसुलिन मॉलिक्यूल सेल्स ने बना करके सिक्रीट किया। और ये सब कुछ जो कन्वर्जन ऑफ एक्टिव इंसुलिन होता है वो केवल वेसिकल्स में होता है और इसके लिए लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है कि द एक्टिवेशन ऑफ इंसुलिन इज डन इन लाइसोसोमल एंजाइमेटिक वेसिकल्स। सो इस तरीके से इंसुलिन बनता है और हमारे शरीर में काम करता है। तो जब किसी एक पेशेंट को, व्हेन अ पर्सन इज डायबिटिक, सो व्हाट इज द इमीडिएट रेमेडी टू ट्रीट द डिसीज? सो जो चीज कम हो गई है या जो चीज बिल्कुल ही गायब हो गई है उसे यदि हम ब्लड में फिर से वापस ला दें, मींस सब डर्मल इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इन स्मॉल डोजेस, यदि हम वापस ला दें तो हम इस डायबिटिक कंडीशन को स्टेटस को में डाल सकते हैं, यथास्थिति बना के रख सकते हैं और ऐसे आदमी को डायबिटीज से बचाया जा सकता है, उसके नुकसानों से बचाया जा सकता है। सो ऐसा नहीं है कि हम इंसुलिन को सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी से ही डेवलप कर पाए हैं, इससे बहुत पहले से वी वेयर कन्वेंशनली मेकिंग इंसुलिन दैट वॉज रिसोर्स फ्रॉम आइदर स्लॉटर्ड पिग्स और कैटल्स। तो जो पिग से इंसुलिन निकाला जाता था उसको पोर्सीन कहा जाता था और कैटल से जो निकाला जाता था उसे बोवाइन इंसुलिन के नाम से हम जानते थे। सो या तो पिग्स से या फिर कैटल से हम इंसुलिन निकाल करके इसे ह्यूमन कंजम्पशन के लायक बनाते थे, लेकिन चूंकि इन दोनों से जो इंसुलिन मिलता है उसकी बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी अलग है ह्यूमन इंसुलिन से, और इसी वजह से जब बहुत लॉन्ग टाइम यूज़ किया जाता है पोर्सिन या बोवाइन टाइप के इंसुलिन का तो इट प्रोड्यूसेस निगेटिव इफेक्ट्स। सो ये सारी पॉइंट्स ऐसे थे। इसके अलावा एक पॉइंट और हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि जब हमें पोर्सिन या बोवाइन तरह का इंसुलिन बनाना होता था तो एक कितनी बड़ी तरह का हमें एनिमल फॉर्म लगेगा, उसमें हम जो एनिमल्स को स्लॉटर्ड करेंगे उसके पेनक्रियास को निकालेंगे, फिर उसे इंसुलिन के लिए प्रोसेस करेंगे, फिर वो इंसुलिन प्रोसेस होकर के बन करके बाहर आएगा, फिर उसे पैकेज किया जाएगा प्योरीफाई करने के बाद, फिर उसे मार्केटिंग किया जाएगा और तब जा करके वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होगा। सो दिस वाज अ वेरी टीडियस एंड कमर्शियली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। सो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम वाज गिवन अल्टीमेटली बाय बायोटेक्नोलॉजी। हाउ? एली लिली, हु इज सपोज टू बी कर्नल एली लिली, who was a veteran of American Civil War and by education a pharmaceutical chemist, who is regarded to be the first person to develop a company to mass produce the Sark polio vaccine and recombinant insulin. आपको मैंने दो नीट के questions इस point में दिए हैं, mass production of Sark polio vaccine and recombinant insulin was simultaneously done by only one American company, that was called Eli Lilly. The Eli Lilly was established in 1876. So human insulin ko Eli Lilly ne kaise nikala? To recombinant DNA technology ke successful implementation se aisa possible hua. लेकिन इस प्रोसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जैसे मैंने पहले कहा, इंसुलिन जीन इज अ स्प्लिट जीन और स्प्लिट जीन प्रोकैरियोट में एक्सप्रेस नहीं होते क्योंकि दोनों का जेनेटिकल मॉडिफिकेशन सिस्टम अलग अलग होता है। सो इसको कैसे करना? सो सॉल्यूशन दिस प्रॉब्लम वाज गिवन बाय बायोटेक्नोलॉजी।
जब हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम पता चला तो हम ये श्योरली बता सकते हैं कि यदि हम किसी एक सेल से उसके प्रोडक्ट के एमआरएनए निकाल के उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से ट्रीट कर सकते हैं तो हम उसका कंटिन्यूअस जीन डीएनए का बना हुआ इसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सो द यूज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हेल्प्ड अस टू कंस्ट्रक्ट द इंसुलिन जीन इन अ प्रोकैरियोटिक मैनर। सो दिस वाज डन और एली लिली ने दो सेपरेट चेन प्रोड्यूस की, अल्फा की अलग और बीटा की अलग, लेकिन दोनों के लिए उसके एमआरएनए यूज किए थे उन्होंने और इस एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट से ट्रीट करके और डीएनए में कन्वर्ट किया था। फिर इस्चिरिचिया कोलाई से प्राप्त पीयूसी 18 प्लाज्मिड को और इंसुलिन जीन को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करके स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस किए सेम टाइप के दोनों में और फिर दोनों को डीएनए लाइगेज के इस्तेमाल से आपस में जोड़ दिया गया। इस तरीके से इंसुलिन ए और बी जीन पीयूसी 18 प्लाज्मिड के जेड जीन ऑफ लैक ओपेरॉन की जगह पर जोड़ दिए गए। लेट मी रिपीट, द इंसुलिन ए एंड बी जीन्स वेयर लिंक्ड ऑन पीयूसी 18 ऑन इट्स ओरिजिनल लोकेशन ऑफ जेड जीन ऑफ लैक ओपेरॉन विच कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज टू जॉइन द बोथ यूनिट्स द डीएनए लाइगेज एंजाइम वॉज यूज्ड। नाउ अ कल्चर ऑफ प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया वॉज इनोकुलेटेड एंड द आर डीएनए प्रोड्यूस्ड एज आई डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड वॉज गिवन टू देम फॉर ट्रांसक्रिप्शन विथ अ डाइवेलेंट कैटायन आयन। आपको याद है आइस शॉक मेथड डाइवेलेंट कैटायन सॉल्ट के प्रेजेंस में करने की मेथड से हम किसी एक सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एब्जॉर्ब कराते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ डाइवेलेंट कैटायन सॉल्ट्स दैट इज CaCl2 द प्लाज्मिड फ्री इस्चिरिचिया कोलाई एब्जॉर्ब्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड ऑफ इंसुलिन and when this colony was then treated for the identification of transformer genes then the transformer and non-transformer bacteria were identified separately and then the transformed bacteria were assayed for insulin production activity. After the confirmation of both A and B peptide presence the bacteria were further cultured. So step बहुत आसान है, आप उसे एक लिंक में याद रख सकते हैं। पहले इंसुलिन के mRNA को निकाला बीटा सेल से, उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ट्रीट करके उसे डीएनए में कन्वर्ट किया, डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के तहत पीयूसी 18 पर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, लाइगेज से जोड़ा और डाइवेलेंट कैटायन सॉल्ट CaCl2 की प्रेजेंस में आई शॉक ट्रीटमेंट से उसे आपस में जोड़ दिया, एब्जॉर्ब करा दिया। एब्जॉर्ब कराने के बाद ट्रांसफार्मर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद उसे कल्चर करते हुए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। अब चूंकि हमारे पास ऐसा माइक्रोब तैयार हो गया था जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑफ इंसुलिन था, so the project was shifted from lab scale to pilot scale when finally to manufacturing scale. The R bacterium and growth medium were installed in a bioreactor or fermenter. A part of bacterium were then harvested. From their harvested microbe, insulin was extracted and purified. So is माइक्रोब को लैब स्केल से पायलट स्केल में डाला गया और उसके बाद फाइनली अंतिम तौर पर मैन्युफैक्चरिंग स्केल में डाला गया। जब मीडियम और आर बैक्टीरियम को बायोरिएक्टर या फर्मेंटर नाम के डिवाइस में डाला गया
तो उससे एक ऐसा बैक्टीरिया निकला जिससे इंसुलिन बना हुआ अपनी बॉडी में रखा था, उससे इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया गया, प्यूरीफाई किया गया, और इस तरह दुनिया का फ्यूजन पॉलीपेप्टाइड इंसुलिन के नाम पर पहली बार तैयार हुआ। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, चूंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेस के जीन पर वो पार्ट जुड़ा हुआ है इंसुलिन के जीन का, इसलिए ट्रीटमेंट विथ साइनोजन ब्रोमाइड इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट पॉलीपेप्टाइड ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड प्यूरिफाइंग इंसुलिन सब यूनिट्स। तो इंसुलिन के उप इकाइयों के प्यूरिफिकेशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी जुड़ा हुआ होता है, उसको निकालने के लिए साइनोजन ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। एंड द सब यूनिट्स वेयर देन अलाउड टू मिक्स एंड इंडस्ट्रियली ह्यूमन इंसुलिन और ह्यूमुलिन और रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन ऑफ ह्यूमन ओरिजिन वॉज सक्सेसफुली डेवलप फॉर द फर्स्ट टाइम। और इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन के पेशेंट्स को दुनिया भर में एक बेटर कैडर की मेडिकल एड उपलब्ध कराने में सबसे पहले सफल हुआ। फिर इसी प्रयोग को यदि डायग्रामेटिकली देखें तो आपकी और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ह्यूमन सेल से हम बीटा सेल पेनक्रियास से निकाल के उसके आरएनए को निकाल सकते हैं, आरएनए को निकाल करके उसका इंसुलिन जीन निकाल सकते हैं, इंसुलिन के बाद उसे प्लाज्मिड में जोड़ते हुए बैक्टीरिया में ले जाते हैं, और इस तरीके से क्लोन्ड इंसुलिन जीन से फाइनली वर्किंग इंसुलिन मॉलिक्यूल का इस्तेमाल या प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसमें नेक्स्ट एफर्ट जेनटेक नामक कंपनी ने 1978 में डेवलप किया था, जिसकी मार्केटिंग 1982 से शुरू हुई। अब इसकी प्रोसेस उतनी डिटेल में नहीं, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें आप समझते हुए चले आ रहे हैं। सबसे पहले प्रो इंसुलिन जीन को एमआरएनए के फॉर्म में आइसोलेट किया गया, फिर उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके और पूरे के पूरे इंसुलिन जीन का सीडीएनए ऑब्टेन किया गया, और उसके बाद उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन जोड़ करके उसे डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया गया, और उसके बाद एटीजी और टीजीए इसके दोनों एंड पर जोड़े गए। आप लोगों को कैपिंग और टेलिंग की प्रोसेस मालूम है, तो एटीजी और टीजीए कैपिंग और टेलिंग प्रोसेस को करने वाले सेगमेंट हैं जिन्हें इसमें जोड़ा जाता है। फिर प्लाज्मिड जो PBR322 के नाम से आपने पढ़ा है, उसे HIND3 एंजाइम की मदद से मार्कर रीजन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस पर जोड़ा गया। PBR322 वॉज कट विथ HIND3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन द मार्कर रीजन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट रीजन। ऑन दिस कट द प्रो इंसुलिन जीन वॉज लाइगेटेड एंड टू ज्वाइन दिस डीएनए टू द प्लाज्मिड अ T4 डीएनए लाइगेज वॉज यूज एंड हैंस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वॉज ऑब्टेन। नाउ द ट्रांसफेक्शन ऑफ आरडीएनए इन द रेसिपिएंट माइक्रोब वॉज डन इन द सेम वे एली लिली यूज टू एब्जॉर्व हिज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज बाय यूजिंग डाइवेलेंट कैटायन CaCl2 ट्रीटमेंट मेथड एट इंक्यूबेशन ऑन 42 डिग्री सेंटीग्रेड्स। द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया वेयर देन आइडेंटिफाइड बाई यूजिंग एम्पिसिलिन मीडियम। द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया आफ्टर सिलेक्शन वेयर अलाउड टू ग्रो इन अ बायोरिएक्टर इन लैक्टोज कंटेनिंग मीडियम एंड प्रोडक्ट वॉज एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड बाई ट्रीटिंग विथ ट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हु रिमूव सी पेप्टाइड एंड ए एंड बी चेन लिंक्ड टू प्रोड्यूस फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन वॉज प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज हाउ द बायोटेक्नोलॉजी इवेंचुअली सक्सीडेड इन गिविंग अ बेटर
better insulin to the patients of diabetes world over. In the next video, we will be talking about the gene therapy and its success. So thank you for listening carefully. If you like, subscribe and share this videos, it will be of use to all NEET aspirants all over. Thank you very much.